मैं 12 साल की थी जब पहली बार मेरा पीरियड आया था। क्लासरूम से भागकर, टॉयलेट में छुपकर घंटों शोक मनाया था। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी मम्मी को कैसे बताऊंगी। मम्मी की बात छोड़ो, क्लासरूम में वापस कैसे जाऊंगी? कहीं किसी ने मेरे स्कर्ट के पीछे लगे खून के धब्बे को देख लिया तो, कहीं किसी ने आर यू ऑन योर पीरियड पूछ लिया तो क्यों डरते हैं हम इस बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में बात करने से? क्यों दबदबाते फुसफुसाते हैं हम इस रियलिटी को फेस करने से? क्यों टीवी एड्स में आज भी पैड पर लाल खून नहीं नीली स्याही डाली जाती है? हर महीने 10 लाख से ज्यादा लड़कियां अपने पहले पीरियड्स को अनुभव करती हैं। आपकी बेटी इनमें से एक हो सकती है। उससे बात कीजिए, उसे बताइए। इट्स नॉर्मल, इट्स जस्ट अ पीरियड। क्यों पैड के पैकेट को आज भी काली थैली पहनाई जाती है? ये कौन सा धर्म है जिसमें एक औरत का शरीर नापाक हो जाता है? ये वही औरत है ना जिसके जनने से एक घर आबाद हो जाता है? क्यों नहीं करते हमारे पापा और हमारे भाई हमारे पीरियड्स का जिक्र? क्यों अपने पीरियड्स को छुपाने की हमें लगी रहती है फिक्र? माई पीरियड इज एज नॉर्मल एज माई इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इट इज जस्ट अ पीरियड, जस्ट अ पीरियड, इट इज जस्ट अ पीरियड। व्हाई कांट वी नॉर्मलाइज दिस कॉन्वर्सेशन? बात करेगी अब हर लड़की अपने पीरियड्स के बारे में बिना झिझके, बिना डरे, खेलेगी कूदेगी ताकि हम पीछे नहीं हम आगे बढ़े। चाहती हूं कि 12 साल की हर वो लड़की जिसका पहला पीरियड आए वो शोक नहीं आसमान में ऊंचा उड़ने की प्लानिंग करे। पता है हमारे पैड्स में भी पंख लगे हैं, तो बताओ कैसे रोकोगे हमें? झूठा गांव है अब तो भाई चल पड़ी।